यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चंडीगढ़ से आ रही है हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज बैठक होगी। दोपहर बाद राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। तो बजट सत्र 16 मार्च तक चलने के आसार हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस बजट सत्र को काफी अहम माना जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। कुमार रमेश हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंडीगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी कुमार रमेश, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? जी कुमार रमेश, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? हेलो जी, पे सवाल पूछिए दोबारा आवाज। जी, जो हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, आज बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, तो इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी और इस बैठक में ये डिसाइड होता है कि जो विधानसभा का सत्र है वो कितने दिन चलाया जाएगा। बजट सत्र अमूमन ये माना जा रहा है कि लगभग जो है करीब 7 से लेकर 8 दिन चलने के आसार है और ये माना जा रहा है कि 15 से 16 तक चलाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज की इस बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के भी नेता वहां मौजूद होंगे और वो आपसी सहमति के बाद जो है ये तय किया जाएगा कि विधानसभा सत्र को कितने दिन चलाया जाना चाहिए। जाहिर तौर पर बजट सत्र में कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है और इसीलिए सरकार की कोशिश रहेगी कि अपना एजेंडा क्लियर कर बजट को पेश कर एक दो दिन में बजट सत्र को खत्म किया जाए। लेकिन चीजें सब पूर्वानुमान है और जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी उसके बाद जो निर्णय होगा, जो मीडिया में उसका बयान आएगा, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि इस बार का जो बजट सत्र है वो कितने दिन चलेगा। जी बिल्कुल, तो काफी अहम इस बजट सत्र को माना जा रहा है। साथ ही विपक्ष ने भी पूरी तैयारियां कर ली है सरकार को घेरने की। देखिए, विपक्ष पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। विपक्ष को लगता है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए और कहीं ना कहीं इस बजट में बहुत ज्यादा कुछ लोक लुभावना मिलना नहीं है, क्योंकि जो अमूमन जो टैक्सेस जो प्रणाली है वो कहीं ना कहीं अब जीएसटी के दायरे में आ चुकी है। केवल सरकार का वो एजेंडा कि सरकार बजट में विकास के लिए कितना पैसा खर्च करती है, रोजगार के लिए क्या नए साधन जुटाने की बात करती है और दरअसल जो टैक्सेस नगर निगम के इलाके में जो गांव शामिल हुए थे उनमें लगाया गया था, उनको लेकर के सरकार की क्या रुख है, इन चीजों को लेकर के सरकार इस बार बजट सत्र में कुछ नया बताने जा रही है। लेकिन कल भी मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि बजट पेश होने तक इंतजार कीजिए, इस बार बजट में बहुत कुछ नया है। तो आप समझ सकते हैं कि सभी को जिज्ञासा है कि हरियाणा का जो बजट आएगा उसमें क्या होगा। लेकिन आज ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जब बैठक होगी तो ये निर्णय स्पष्ट हो जाएगा कि ये बजट सत्र कितने दिन चले। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार रमेश तमाम जानकारी के लिए। तो बजट सत्र को काफी अहम माना जा रहा है, साथ ही हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक होगी उसके बाद साफ हो जाएगा कि कितने दिन तक ये बजट सत्र चलेगा। हालांकि 16 मार्च तक ये बजट सत्र चलने के आसार बताए जा रहे हैं। तो दोपहर बाद राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी और उसके बाद बजट सत्र जो है वो शुरू किया जाएगा।